हमारे साथ है दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी सुपरस्टार, और आज आपका पहला इंटरवेंशन था और आपने भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए मांग उठाई। बिल्कुल, देखिए भोजपुरी मेरी माँ की भाषा है, मेरी मातृभाषा है, और मुझे लगता है कि अगर आपके मातृभाषा का विकास होता है तो आपके क्षेत्र का, आपके लोगों का वो विकास अपने आप शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बार जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इस विषय पे ही बोलना चाहिए, और क्योंकि ये भोजपुरी का हक है जो इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आप सब जानते हैं कि 1967 से ये मांग चल रही है, और पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें तत्कालीन जो गृह मंत्री जी थे श्री पी चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा भी था संसद के अंदर कि हम रउआ लोग के भावना के समझत आनी, और बहुत जल्दी आप लोग के मान्यता मिली, और उन्होंने ये भी बात कही थी कि हम जो है मॉनसून सेशन में बिल लेके आएंगे और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने निराश किया भोजपुरी भाषी। बात केवल उनकी नहीं है, इसके अलावा कई सांसदों ने, यहाँ तक कि आपके जो पूर्ववर्ती, आपके भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, उन लोगों ने भी उठाया। उसके पहले मुझे याद है कई सांसद, रूडी साहब हो, प्रभुनाथ सिंह हो, इन सबों ने, और देखिए 8वीं सूची 14 से बढ़कर 22 भाषाओं तक पहुँच गई है, लेकिन भोजपुरी के जगह ना मिला। अब मिले के चाहिए, कहें कि अब जोन एगो एक दिक्कत आवत रहे जोन अब सॉल्व हो गई बात, कि एगो ऐसा नियम आयल बा जौना में कि जौन भाषा देश के बाहर कहीं बोलल जात होके ओके मान्यता मिली, तो हमने की भोजपुरी भाषा उमें बाटे कि कई गो देश में बोलल जाला, फिजी में, न्यूजीलैंड में, मॉरिशस में, बहुत सारा देश बाटे जहाँ भोजपुरी भाषा बोलल जाला, ऑफिशियल लैंग्वेज बा। एके नेपाल में मान्यता बा, मॉरिशस में मान्यता बा, तो कहे के मतलब ये बा कि जब देश के बाहर मान्यता मिल गई तो अब अपने देश में मिले में कहें देरी होता।